भाइयों और बहनों, पास्का पर्व यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान का महोत्सव है। यह कलीसिया का सबसे बड़ा पर्व है। इसी को मनाने की आध्यात्मिक तैयारी राख बूथ से लेकर पुण्य शनिवार तक करीब 6 सप्ताह हमने की थी। यीशु ख्रीस्त को छोड़कर अभी तक कोई भी मनुष्य मरकर फिर जी नहीं उठा। यीशु के इस पुनरुत्थान पर ही पूरी कलीसिया का विश्वास आधारित है। इसी को हम हर जन पवित्र मिसा के दरमियान विश्वास का रहस्य की घोषणा में घोषित भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इस पर हम कितना विश्वास करते हैं और इसका कितना प्रभाव हमारे जीवन में झलकता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का नींव होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान को हम नहीं समझते, उसका अनुभव अपने जीवन में हम नहीं करते हैं। उसके पुनरुत्थान को समझने और महसूस करने के लिए हमें चाहिए कि हम यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान से संबंधित मूल बातों को जानें। पहली बात, हम ये जान लें कि ये मनगढ़ंत नहीं है पर एक सच्ची घटना। इसके प्रमाण बाइबल और कलीसिया में घटित घटनाओं से स्पष्ट होती है। आइए कुछ बिंदुओं पर हम गौर करें। पहला, पहरेदारों का साक्ष्य। संत मती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 11 से 15 में पहरेदार और महायाजकों के बीच में सच को छुपाने की बात होती है और इसके एवज में पहरेदारों को भारी रकम दी गई। इस तरह पहरेदार का साक्ष्य यीशु के मृतकों में से जी उठने की बात को प्रमाणित करता है। दूसरा, खाली कब्र। संत लुकस के सुसमाचार में ये बताया गया कि जब कुछ नारियां पांव फटते ही तैयार की गई सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गई तो वे कब्र के पत्थर को अलग लुढ़काया हुआ पाया और कब्र खाली मिला। वहां यीशु का शव नहीं था। इस तरह खाली कब्र भी यह प्रमाणित करता है कि यीशु पुनर्जीवित हुए। तीसरा, पुनरुत्थान का प्रभाव। यीशु के मरने के बाद शिष्यगण डर के कारण दरवाजे बंद कर रहते थे। कुछ तो हताश निराश होकर अपने गांव वापस हो रहे थे, कुछ तो अपने पुराने व्यवसाय में वापस होने की सोच रहे थे। पर जब उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को देखा, उसमें अद्भुत प्रभाव हुआ। संत पेत्रुस साहस के साथ जोर देकर कहते हैं, जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला किंतु ईश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया, हम इस बात के साक्षी हैं। इस तरह शिष्यों में पुनरुत्थान का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा था। चौथा, रविवार के दिन उपासना का आरंभ होना। यीशु के पुनरुत्थान होने के कारण रविवार के दिन प्रभु की उपासना करना प्रारंभ हुआ। इससे पहले शनिवार का दिन विश्राम का दिन होता था और लोग इसी दिन ईश्वर की उपासना के लिए जमा होते थे। पांचवा, संत पौलुस का मन परिवर्तन। जब तक पौलुस का दर्शन पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त का नहीं हुआ था, तब तक वह कट्टर ख्रीस्त विरोधी था। ख्रिस्तियों को धमकाने और मार डालने का धुन संत पौलुस में सवार था। पर जैसे ही वह जी उठे, यीशु ख्रीस्त का दर्शन पाया, पूरी तरह से उसका मन परिवर्तन हुआ और यीशु का सबसे बड़ा धर्म प्रचारक बना। और उसका कहना था, यीशु के लिए जीना और उसी के लिए मरना उसके जीवन का मकसद है। छठवां, शिष्यों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यीशु के पुनरुत्थान का अद्भुत प्रभाव प्रेरितों पर पड़ा। यही वजह थी कि वे निडर होकर महायाजकों अधिकारियों के पास कहे, ईश्वर ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है, हम इस बात के साक्षी हैं। पेत्रुस और योहान को कड़ा निर्देश मिला कि वे इस ईसा के नाम पर किसी को कुछ ना कहे, पर वे जोर देकर बेधड़क कहे, आप लोग ही निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की माने। सातवां, घोर धर्म सतावट के बावजूद कलीसिया का फलना फूलना। कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं कि ख्रिस्ती
धन सतावट हुई, पर इसका असर ठीक उल्टा हुआ। जितना जुल्म हुआ उतना ही खिस्तेता फैली और हम सब उसी के फल हैं। वर्तमान समय में भी ये हम कलीसिया में पाते हैं। क्या ये बात विचित्र नहीं लगती? चिंतन करने और लोगों के साथ साक्ष्य से ये पता चलता है, ये सब पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त के प्रभाव के कारण हुआ है और होता है। इस तरह ये हर बिंदु में प्रमाणित करते हैं कि यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं और ये सच्ची घटना है। पुरोहिताई और धर्म संघ जीवन जीने वाले पुरोहित और धर्म बहने भी इसी के साक्षी हैं, जिनके माध्यम से कई चमत्कार हुए हैं और होते हैं। अगर हम अपने मन दिल में पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त की धारणा में दृढ़ होंगे तो स्वतः कई हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भूत प्रेत और डायन विषयी जैसे अंधविश्वास से हम ऊपर उठ पाएंगे। जीवन के सब प्रकार के डर से हम उबर सकते हैं। मरने से जो डर लगता है उसमें भी हमें नई आशा और उम्मीद मिल सकती है। अतः आइए हम प्रभु के जी उठने की धारणा में दृढ़ हों और उसका फल इस दुनिया में और आगे के जीवन में भी पाए। हालेलुया, आमीन।